मोहतरम तुलबे कराम अस्सलाम वालेकुम। बेटा सबक मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर का आज हम खुलासा और मश्की सवालात करेंगे। वो बिला ताखीर शुरू करता हूँ। खुलासा ये मैंने लिखा हुआ है अपने पास, ये आप अपने पास नोट डाउन भी कर लीजिएगा और यहीं से ही आपने ये याद भी करना है। वो मैं रीडिंग करता जा रहा हूँ, आप गौर से सुनते जाइएगा और साथ साथ रीडिंग करते जाएं आप भी, तो ज़्यादा मुनासिब है, बहुत अच्छा अच्छी बात होगी। जी बेटा, कौवा जो मुजक्कर है सुबह सुबह मूड खराब कर देता है, वो ना गाता है और ना ही गाने की कोशिश करता है, सिर्फ काएं काएं करता है जिसका कोई मतलब नहीं। कौवे काले क्यों होते हैं इसका कोई जवाब नहीं। कौवे की नज़र बड़ी तेज होती है और वो काम की चीज़ों के अलावा उसे कुछ और दिखाई नहीं देता। कौवा बेचैन रहता है, वो समझता है कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है। कौवा बावर्ची खाने के पास बहुत मसरूर रहता है, बंदूक की आवाज़ सुनकर लाखों की तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं और इतना शोर करते हैं कि बंदूक चलाने वाला महीनों पछताता रहता है। बारिश में नहाते हुए हिफ्जाने सेहत का खास ख्याल रखते हैं। कौवे ज्यादा सोच विचार नहीं करते, ये फिक्रे मुआश में दूर दूर निकल जाते हैं लेकिन अपना घर नहीं भूलते। अगर आपको कौवों से शिकायत है तो इन्हें भी आपसे बहुत सी शिकायत है। बुलबुल हर जगह पाया जाने वाला रिवायती परिंदा है। हम हर खुशगुलू परिंदे को बुलबुल समझते हैं, इसकी वजह हमारे शायर हैं जिन्होंने कभी बुलबुल को देखा तक नहीं। आमतौर पर बुलबुल रोने धोने की अलामत समझी जाती है। बुलबुल और गुलाब की अफवाह है, हकीकत नहीं। बुलबुल परों के साथ महज चंद इंच लंबी होती है, अगर पर निकाल दें तो ज्यादा बुलबुल नहीं बचती। बुलबुल के गाने की वजह इसकी गमगीन खानगी जिंदगी है। बहरहाल वो बहुत से मौसीकारों से अच्छी है क्योंकि वो उनकी तरह बेसुरेपन का इल्जाम दूसरों पर नहीं डालती। बुलबुल सफर नहीं करती क्योंकि उसका ख्याल है कि वो वहीं है जहां उसे होना चाहिए। भैंस मोटी और खुश मिजाज होती है, गाय की तरह ये मुल्क हर मुल्क में नहीं पाई जाती। भैंस के बच्चे शक्ल सूरत में ननियाल और ददियाल दोनों पड़ जाते हैं, लिहाजा फरीकैन एक दूसरे पर तनकीद नहीं कर सकते। भैंस का मशगला जुगाली करना और तालाब में लेटे रहना है। वो अक्सर नीम बाल आंखों से उफुक को तकती है, लोग सोचते हैं कि वो क्या सोचती है। भैंस अगर सोच सकती तो रोना किस बात का था। भैंस का मशगला जुगाली करना है, उसे कल की बात आज याद नहीं रहती, लिहाजा वो इंसान से ज्यादा खुश नसीब है। भैंसा बिल्कुल निकम्मा समझा जाता है क्योंकि वो शुरू से ही सुस्त है। भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि भैंस को बीन से कोई दिलचस्पी नहीं। उल्लू अकलमंद होने के बावजूद उल्लू है, ये खंडरों में रहता है। उल्लुओं की आदत आपस में बहुत मिलती जुलती है, इनका जिक्र बादशाहों के रोजनामचों में भी मिलता है। ये दिन भर आराम करता है और रात भर हू हू, लोग कहते हैं ये तू ही तू का विर्द करता है, इसलिए ये उन लोगों से बहुत बेहतर है जो मैं ही मैं का वजीफा करते हैं। उल्लू खामोश रहता है क्योंकि वो हिस्से मजाह से महरूम है। मादा उल्लू अपने बच्चों को बड़ा होते ही घर से निकाल देती है। उल्लू को बुरा भला कहते वक्त ये मत भूलिए कि उन्होंने उल्लू बनने की इल्तिजा नहीं की थी। बिल्लियों की कई किस्में हैं और इनको गिनने वालों की भी बहुत सी इकसाम है। बिल्ली पालने वाले सोचते हैं कि बिल्ली इनसे लगाव रखती है लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होता। अगर उसे कहा जाए कि हम दुनिया में दूसरों की मदद करने आए हैं तो उसका सवाल होगा कि दूसरे यहां क्या करने आए हैं। साल भर में बिल्ली सिधाई जा सकती है, ये दूध देने के बजाय दूध पीने वाला जानवर है। ये लड़ाई में एक दूसरे को नाखून मारती हैं और बुरा भला कहती हैं। बिल्ली और कुत्ते की दुश्मनी मशहूर है। चंद बिल्लियां घर के तमाम चूहे खत्म कर सकती हैं, चूहे तो खत्म हो जाएंगे, बिल्लियां रह जाएंगी। ये रात का इंतजार नहीं करती बल्कि दोपहर को ही सो जाती हैं। ये घर से बाहर निकल जाती हैं और घर अगर पूछा जाए तो नाराज हो जाती हैं। एक ही घर में साथ रहने के बावजूद इंसान और बिल्ली अजनबी रहते हैं। बेटा इस सबक के मुख्तसर सवालात के जवाबात। पहला सवाल है, कौवा ग्रामर में हमेशा क्या इस्तेमाल होता है? तो इसका जवाब, कौवा ग्रामर में हमेशा मुजक्कर इस्तेमाल होता है। दूसरा सवाल है, पहाड़ी कौवा कितना लंबा होता है? जवाब है, पहाड़ी कौवा तकरीबन 1.5 फुट लंबा और वजनी होता है।
सवाल नंबर 3, बंदूक चले तो कव्वे क्या करते हैं? जवाब, बंदूक के चलने को कव्वे अपने लिए जाती तौहीन समझते हैं और लाखों की तादाद में कहीं से आकर इकट्ठा हो जाते हैं। इतना शोर मचता है कि बंदूक चलाने वाला महीनों पछताता रहता है। सवाल नंबर 4, हम हर खुशगुलू परिंदे को बुलबुल समझते हैं, इसमें कसूर किसका है? जवाब, हम हर खुशगुलू परिंदे को बुलबुल समझते हैं, इसमें कसूर हमारा नहीं बल्कि हमारे अदब का है। सवाल नंबर 5, बुलबुल के गाने की क्या वजह है? बुलबुल के गाने की वजह उसकी गमगीन और खानगी जिंदगी है। सवाल नंबर 6, बुलबुल बहुत से मौसिकारों से क्यों बेहतर है? बुलबुल पक्के राग गाती है या कच्चे? बहरहाल वो बहुत से मौसिकारों से बेहतर है क्योंकि एक तो वो घंटे भर का अलाप नहीं लेती और बेसुरी हो जाने पर बहाने नहीं करती कि साज वाले निकम्मे हैं या मेरा गला खराब है वगैरह वगैरह। अगर आप इसके गाने से तंग आ जाएं तो इसे खामोश भी करा सकते हैं। सवाल नंबर 7, भैंस का मशगला क्या है? भैंस का मशगला जुगाली करना और तालाब में लेटे रहना है। सवाल नंबर 8, भैंस किस लिहाज से इंसान से ज्यादा खुश नसीब है? क्योंकि भैंस का हाफजा बहुत कमजोर होता है, इसलिए उसे कल की बात आज याद नहीं रहती, इसलिए वो याददाश्त के हवाले से इंसान से ज्यादा खुश नसीब है। सवाल नंबर 9, उल्लू की कितनी किस्में बताई गई हैं? उल्लू की 20 किस्में बताई जाती हैं और जो उल्लू की किस्मों को गिनते हैं उनकी भी कई इकसाम हैं। सवाल नंबर 10, उल्लू को कौन पसंद करता है? उल्लू को वही लोग पसंद करते हैं जो फितरत की जरूरत से ज्यादा मददा होते हैं। सवाल नंबर 11, उल्लू को अपने बच्चों की तालीम और तरबियत से दिलचस्पी क्यों नहीं? जवाब, उल्लू को अपने बच्चों से तालीम और तरबियत से कोई दिलचस्पी नहीं क्योंकि वो समझते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं होता। और सवाल नंबर 12, बिल्ली कितने अरसे में सिधाई जा सकती है? एक साल के अरसे में बिल्ली को सिधाया जा सकता है। बेटा, ये हमारा सबक इसके साथ ही खत्म हुआ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट सम रीड आउट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।